इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि आपसे रूबरू होने का मौका मिले। डीके शिवकुमार जी ने कन्नड़ में बहुत अच्छी तकरीर की है। कन्नड़ मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आती, लेकिन कन्नड़ जो है वो मोहब्बतों की जबान है और मोहब्बत हमेशा समझ में आती है। तो यहाँ पे जो हमारे मेहमान मौजूद रहे या भी मौजूद है उन सबका बेहद शुक्रगुजार। हमारे नए चेयरमैन जो कर्नाटक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अपॉइंट हुए हैं, जैसे जब्बार साहब, उनकी ओथ में यहाँ पर शामिल हुए आप सारे लोग, उनके चार्ज लेने में आप सारे लोग शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत अच्छे से शेर सुनाया आपको। जब वो शेर सुना रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी कमी वो खुद पूरी कर दे रहे हैं, तो मुझे मेरे ऊपर लोड कम रह जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तकरीर की। वीरप्पा मोइली जी, सलीम अहमद साहब, रामलीला रेड्डी साहब, रामलीला रेड्डी साहब, सतीश जी, इसके पाटिल साहब, के एच कुरियप्पा जी, दोरा नारायण जी, नासिर हुसैन साहब, हमारे बाकी एमएलए, डीसीसी, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैं बहुत दिन बाद बेंगलोर आया हूं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। इस तारीखी पहले पेवेलियन में मैं यहाँ एक बार दो बार मुशायरे में आ चुका हूँ, आप सबसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। बीच में जो साथी हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट में आपसे रूबरू, 10 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। अभी बीच में जो शोर शराबा हुआ ये सब होता रहता है, अच्छी फिल्म चलती रहती है तो बीच में विज्ञापन आ जाते हैं, ऐड आ जाते हैं, ये चलता रहता है, ये सब पार्ट है, तो ये सब चलने दिया करिए, ये सब होता रहता है। सियासी जलसे में शामिल होने के लिए दूसरी बार आया, इससे पहले आया था तनवीर साहब, यहाँ बैठे हैं तनवीर सेठ साहब, उनके कैंपेन में मैसूर आया हुआ था उनके प्रचार के दौरान, रहीम साहब बैठे हैं गुलबर्गा, बीदर आया हुआ था, नारायण राव साहब नहीं रह गए उनके लिए मैं बसपा कल्याण कैंपेन में आया था, शिवाजी नगर आया हुआ था, इन सारे इलाकों में आपसे रूबरू रहा हूं। आज आपके बीच में आया हूं एक अहम मौके पर। मेरे भाई, मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब इंतजार पर बैठे हुए लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं रह गई है। वो कुछ भी बोलने से पहले आपके खिलाफ, कुछ भी जहर उगलने से पहले रत्ती भर भी लिहाज नहीं करते। जब पूरे मुल्क के किसी ना किसी सूबे में हर दिन ऐसे ऐसे मनहूस खबरें आती हैं कि आपको लगता है कि क्या ये मेरा वही हिंदुस्तान है जिसका खाप कभी पंडित नेहरू जी ने, कभी मौलाना आजाद साहब ने, कभी महात्मा गांधी जी ने देखा था। आपको हर सुबह ऐसा महसूस होता है, ऐसे लम्हे में जरूरत है कि अगर ऐलान खड़ा हुआ जाए, मुत्तहिद हुआ जाए, एकजुट हुआ जाए। आज जो इस प्रोग्राम का नाम है वो टुवर्ड्स यूनिटी एंड होप, जो इत्तेहाद और उम्मीद का नाम इस प्रोग्राम को दिया गया है, इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके मकसद बहुत बड़े हैं। आप कर्नाटक के कोने कोने से आज यहाँ पे इकट्ठा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, मुझसे ये कहा कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट संभालिए, काम करिए, लोगों के बीच में जाइए। मैं तो शायर था, आप बतौर शायर मुझे पहचानते थे, मुझे प्यार करते थे, मैंने उनकी बात पर हामी भरी और मैं उनके साथ खड़ा हो गया। लोग मुझसे कहते हैं, मीडिया के साथी कहते हैं कि इमरान आप कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो गए, तब मैं अलग ऐलान कहता हूं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। यहां जो लोग बैठे हैं मैं उनमें जो जोश देख रहा था, हम लोग जब चले हैं तो यहां तक आने
कर्नाटक के अमलियत के लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बीच में चंद लोग आएंगे, आपको पहचानने की भी कोशिश करेंगे, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें भी करेंगे। वो कहेंगे कि अकलियतों को कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या दिया। आपको यह समझना है कि यही सवाल नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को 70 साल में क्या दिया। और कुछ मोदी के ऐसे दोस्त भी पैदा हो गए हैं जो आपके बीच में आके कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में अकलियतों को क्या दिया। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया। वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर साकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है कि जब सरहद उस पार से सलाहें आ रही थी कि इस तरफ चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है, तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ रह गए, हम यहाँ के बाशिंदे हैं। ऐसे वक्त में भी पंडित नेहरू जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगा करके अपनी कैबिनेट में पहला शिक्षा मंत्री बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। ये काम कांग्रेस ने किया। वो कांग्रेस ही है जो लोग आपसे सवाल करें, लोग आपसे सवाल करते हैं सोशल मीडिया पर, आप पर तंज करते हैं, कांग्रेस के सिपाहियों, कांग्रेस के अकलियती सेल के सिपाहियों, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि ये चीजें याद करिए। जब आप पर तंज किया जाए तो पलट के उनसे कह दीजिए कि हाँ, वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने खुर्शीद अहमद को इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयद अमरत तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है, वो कांग्रेस ही है जिसने आपके सूबे के कई नेताओं को दिल्ली ले जाकर के उन्हें इतनी ताकत बख्शी कि आप सारे लोग उनके चेहरों को पहचानते हैं। ऐसे में जो लोग ये सवाल करते हैं उन्हें बताइए कि ये वक्त शोर शराबा और चीखने चिल्लाने का नहीं है। आप तसव्वुर करिए मुल्क किस मोड़ से गुजर रहा है। एक तरफ त्रिपुरा में आग लगाई जा रही है, जलाए जा रहे हैं घर। अगर कोई सवाल भी खड़ा कर रहा है तो यूएपीए तैयार है, यूएपीए के नाम पर पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, जो भी उनके लिए खड़ा हो रहा है वकीलों को, उनको जेल में उठा के डाल दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में पूरे मुल्क में अगर कोई बोल रहा है तो एक शख्स खड़ा होकर के बोल रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हलाल हलाल कह रहा है कि त्रिपुरा के मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। जब लोग आपका नाम लेने से बच रहे हैं, जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हैं, ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी खड़े होकर के कह रहे हैं कि नहीं, इस मुल्क की सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के आईन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो विरासत मुझे सौंपी है उस विरासत को आगे लेकर के जाना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ कर्नाटक वालों, मेरी आंखों ने देखा है मंजर के सी आंदोलन के दौरान जब नौजवान बच्चों के सीनों पर सीधे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया जा रहा था। तब तमाम सेकुलर पार्टियों के पार्टी नेता घरों में बैठे थे, लेकिन प्रियंका गांधी अपने घर से निकली और एक एक माँ के आंसू पहुंचने के लिए कभी बिजनौर पहुंची, कभी मेरठ पहुंची, कभी संभल पहुंची, कभी मुजफ्फरनगर पहुंची। मैं गवाह हूं इस बात का, मेरी आंखें इस बात की चश्मदीद गवाह है। डीके शिवकुमार साहब भी इस बात के गवाह होंगे, उदयनारायण मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी उस दिन वहां मौजूद थे जब बच्चों को शहीद किया जा रहा था, जब ये कहा जा रहा था कि शाहीन बाग को कुचल दिया जाएगा। ऐसे समय में बीमारी की हालत में भी सोनिया गांधी जी उठी और जाकर के गांधी जी की मजार के सामने बैठ गई राजघाट पर, और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरा दिन बैठी रही और यह कहती रही कि इस मुल्क का आईन है, यह मुल्क आईन से चलेगा, किसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी से नहीं चलेगा। ये कांग्रेस ही कर रही है, ये कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं एक बात यह भी कहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि अकलियतों ने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया है। अकलियतों ने भी पिछले 70 साल से आंख बंद करके कांग्रेस का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन चंद लोग निकल आए हैं इस रिश्ते को पामाल करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस रिश्ते को बांटने के लिए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे आपके कर्नाटक की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, ये जो फासिस्ट सोच लेकर के हुकूमतें चल रही हैं, अगर इन्हें चाहते हो कि हटाना है,
करेंगे। यहाँ मौजूद अखिलेश के साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई ये सच है कि खुदा ने कुछ ऐसा लिख दिया है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते। ये सच है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते, लेकिन उससे भी बड़ा ये सच है कि बिना आपके समर्थन के भी इस मुल्क का कोई हाकिम नहीं बन सकता। ये सच्चाई है, इस सच्चाई की ताकत को पहचानिए। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि किसी छोटे मोटे सवाल के लिए बहुत बड़ी उम्मीदों का सौदा मत कर लेना। चमक है, ग्लो है, खूबसूरती आई है, इसके लिए जोरदार ताली बजाकर के आप उनका हाथ
ये जब्बार साहब कर्नाटक की अकलियतों की सियासत को आगे तक लेके जाएंगे। और अकलियत की सियासत का मतलब सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं होती, आपको ये समझना पड़ेगा अकलियत का मतलब होता है उसमें सिख भाई भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भाई भी आते हैं, उसमें ईसाई के साथ साथ पारसी भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, छह कम्युनिटी मिला करके तब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता है। मैं आपसे एक चीज ये भी कहूंगा कि अपनी कमेटी में, अपनी बॉडी में, चाहे वो स्टेट की बॉडी हो या डिस्ट्रिक्ट की बॉडी हो, बाकी भी जो अकलियत के जमाते हैं उनको अपना साथ लाइए, उनको अपने और उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सरदार भाई है, क्रिश्चियन भाई तो पूरे कर्नाटक में बड़ी तादाद में मौजूद है, और ये जो हुकूमत है मैंने सुना है आने वाले दिनों में कन्वर्सन बिल लेकर के आ रहे हैं, उनके निशाने पर आने वाले दिनों में पूरी तरह से क्रिश्चियन भाई में रहेंगे। पहले हम निशाने पर थे, अब क्रिश्चियन भाई है, उधर दिल्ली के आसपास सरदार भाइयों का नंबर है। मेरे भाई मेरी एक बात संदीप जी से नोट करके ले जाना, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जब जब जमहूरियत कमजोर होगी, आईन कमजोर होगा, तो पहली चोट वो पड़ेगी वो अकलियतों पर पड़ेगी, माइनॉरिटीज पर पड़ेगी। ये हुकूमत यही कर रही है, ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि जिसने आपको तोहफे में महंगाई दी है, आपको तोहफे में शहरों के नाम बदलने की एक रवायत शुरू कर दी है, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस दूसरी इमारतों पर ठप्पा लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूँ कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आपको कर्नाटक यार मोहतरम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, उन्होंने अल्लाह भाई बात साहब तक को याद किया, उनके लिए शेर सुनाए, मैं दो शेर आपको सुनाता हूँ। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और कर्नाटक वालों अपने काबे की हिफाजत के नाम का खौफ देता।
बार ये जो हमें अन्न देता है वो किसान के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे मत समझना डराने से डर जाएंगे अब के सारी हदों से गुजर आपने जिस मोहब्बत से डिपार्ट